नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अरे उमा, देखो भाई, तुमसे कोई मिलने आए। नमस्ते बीबी जी। ऐसा भी क्या, ना साड़ी ना मिठाई, अकेले ही अकेले सगाई। अरे तू कहाँ से टपक पड़ी इतने सालों के बाद। हाँ बीबी जी, 4 साल बाद आपके दर्शन हुए हैं। 15 दिन हो गए बाबूजी नहीं रहे, इसीलिए तो आई हूँ। बीबी जी, मैं तो सचमुच 12 के चक्कर में पड़ गई। क्यों, तुझे क्या हुआ? बीबी जी, आप ही मालिक की निशानी है, सोचा आपसे बात करना भी जरूरी है। क्या जरूरी है? यही कि 3 साल बीते, मालिक साल भर का बच्चा मेरे पास छोड़ गए थे। भगवान की दया से अब तो वो 4 साल का होने को आया। बाबूजी, बच्चा छोड़ गए थे? बीबी जी, मैं ठहरी गरीब जात, मालिक महीने का महीना खर्चा दे जाते थे, काम चलता रहता था। बच्चा खर्चा, बाबूजी क्या बकवास किए जा रही है, कहीं सटिया तो नहीं गई? बाबूजी तो मुझे कुछ नहीं बताया। अब हर बात बताने की थोड़ी ही होती है, फिर वैसे मैं झूठ काहे को बोलूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम सच्ची कह रही होगी, लेकिन हमारे पास कोई सबूत भी है। अब सबूत वबूत क्या होता है, बीबी जी बैठी है, इनसे पूछ लो, गोदी में खिलाया है इन्हें, कोई नए नहीं है। हाँ, जिसकी खाते हैं उसी की बजाते भी हैं। हमारे लिए तो मालिक की आंखें ही सब कुछ थी, जैसा उन्होंने कहा वैसा हमने किया। हाँ, लेकिन बाबूजी का उस बच्चे से क्या संबंध था? अब संबंध तो तुम खुद जोड़ लो, मैं कहाँ जानू। मेरा मतलब है, उन्होंने कभी तुम्हें बताया कि वो बच्चा अनाथ था, किसी गरीब का बच्चा था, उन्हें कहाँ से मिला? ये सब मैं नहीं जानती, ना उन्होंने कभी बताया ना मैंने कभी पूछा। अच्छा खैर ठीक है, अब ये कहानी हमें क्यों सुनाने आई, हमें इससे क्या लेना देना? लेना देना तो हमें भी कुछ नहीं बाबू, बच्चे का खर्चा है, पहले की तरह 300 रुपया महीना मिलता रहे बस। लेकिन 300 रुपया देगा कौन? सुनो बाबूजी, मेरी कोई सोने की कदान नहीं है, बच्चा मेरे पास रहेगा तो खर्चा भी देना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो क्या होगा? होगा क्या, कल सवेरे बच्चे को यहाँ पटक जाऊंगी, फिर तुम जानो। हाँ, मेरी झोपड़ी माधो नाका की चाल में है, तुम लोगों की जैसी मर्जी हो खबर भेज देना, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। हाँ, अजीब चक्कर है, औरत तो बड़ी खतरनाक मालूम होती, कहीं सचमुच ना कोई बच्चा यहां छोड़ जाए। बात तो बड़े विश्वास से कह रही थी, पता लगाना चाहिए। सुशीला जो कह रही थी वो सही सही है, फिर बच्चा किसका है? देखिए डॉक्टर अंकल, वो कहती है कि बाबूजी उसे 300 रुपये महीना देते थे, ये कोई मामूली रकम तो नहीं है, अगर खर्चा बंद हुआ तो वो बच्चे को मेरे यहाँ छोड़ जाएगी। नहीं नहीं, खर्चा क्यों बंद करती हो? लेकिन कब तक और किसके लिए, मुझे भी तो कुछ मालूम होना चाहिए। तुम ना ही जानो तो अच्छा। देखिए डॉक्टर अंकल, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे कब तक अंधेरे में रखेंगे आप? तुम सही कहती हो, हमारे बाबूजी के सामने बात और, फिर अब बच्चे के भविष्य का भी सवाल है, मगर ये सच्चाई तुम तक ही रहे तो बेहतर। ये बच्चा तुम्हारा है और तुम ही इसकी माँ। मगर वो तो मरा हुआ था, आपने ही तो कहा था। वही कहना चाहिए था, लेकिन अब बात दूसरी। लेकिन अब क्या होगा? उमा, तुम समझदार हो, तुम्हारा घर है, पति है, तुम्हारा जीवन काफी सुखी है, मेरी सलाह मानो, खर्चा देती रहो और ज्यादा झंझट में मत पड़ो। तुम क्या सोचा, तुम कहाँ जा रही हो? रुको रुको अंकल, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। पागल मत बनो, रुको, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नो अंकल, मैं अच्छी हूँ।
अरे उमा कहाँ गई थी? बड़ी देर कर दी। डॉक्टर अंकल के पास। तबीयत तो अच्छी है? उस बच्चे के बारे में पूछने गई थी। क्या कहा उन्होंने? सुशीला जो कह रही है वो सही है। अच्छा, और कुछ बताया उन्होंने? अरे जरा सामने तो आओ। तुमने पूछा कि वो बच्चा किसका है? बच्चा कोई भी हो, सुशीला को खर्चा तो देना ही पड़ेगा। 300 रुपए महीना कोई मामूली रकम नहीं है। हम पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, बाबूजी उसकी परवरिश का पूरा इंतजाम कर गए हैं। इंतजाम कर गए हैं? मगर बाबूजी को ऐसी क्या पड़ी थी? इसमें तो भेद जरूर है। खैर, परवरिश का इंतजाम कर गए हैं, ये बहुत अच्छा हुआ। हाँ ये तो है, यही होना चाहिए। कल रात मैंने तुम्हें रूबी के बारे में बताया था ना, अगर वो लड़का समझाने में नहीं आता तो इस बेचारे बच्चे का क्या होता? खैर छोड़ो, ये सब तो चलता ही रहता है। मेरा कसूर था ना तुम्हारा कसूर था, किस्मत में जो लिखा था वो होना जरूर था। चढ़ते ही आफ्ताब के सब फिर खुल गए, साया हमारा हमसे बहुत दूर दूर था। हेलो, जी हाँ एक मिनट। ओ माँ तुम्हारा फोन। हेलो उमा, आप कैसे हो बेटा? तेरी चिंता लगी हुई है, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ अच्छी हूँ। उमा मेरा कहा मानो, एक दो हफ्ते के लिए शहर से बाहर चली जाओ, जमीन बदलने से जहन भी बदलता। ठीक है। तेरी परेशानी में समझता हूँ बेटा, लेकिन कभी कभी जिंदगी से भागना भी जरूरी होता है। कुछ दिन यहाँ से दूर रहोगी तो मन शांत हो जाएगा बेटा। जी हाँ, हमने भी ऐसा ही प्लान बनाया है। हाँ ये अच्छा है, मगर देख जाने से पहले मुझे एक बार मिल जाइए। हाँ हाँ जरूर। अरे सूरज तुम आओ, अंदर आओ। जाने से पहले जरूर लेके जाऊंगी अंकल जी। बाय बाय। उमा इनसे मिलो, ये मेरे स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, और ये मेरी बीवी। आइए आप लोग बैठिए। क्या बात है सूरज, चुप चुप क्यों? सर मैंने फैसला कर लिया है, मैं और रूबी शादी कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड। सर रूबी के घर जाने में मुझे घबराहट होती है, लेकिन रूबी जिद करती है। घबराहट का है, वो कहती है तो बोलो। सर वो बड़े लोग हैं, ना जाने मुझे देखकर क्या सलूक करें। सूरज अब तुम नई जिंदगी में दाखिल हो रहे, जिंदगी का सामना करना भी सीखो। सर वो लोग क्या सोचते हुए, समाज की नजर में तो ये अपराध है। सूरज जिंदगी से भागना मुमकिन नहीं, जिंदगी की हकीकतों से कोई कब तक दामन बचा सकता है? हाँ कुछ समय के लिए हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, मगर हमेशा के लिए अविश्वासों के जंगल में घूमना संभव नहीं। दूसरे का आईना तोड़ना आसान है, लेकिन जो खुद अपने आईने से जंग करता है वो उसके साथ साथ हमेशा के लिए मिटकर रह जाता है। सतीश तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें शक है? नहीं, प्यार की कोई सीमा तो होती होगी। प्यार सीमाओं में बंदी नहीं होता। हाँ वैसे कुछ लोग यूं भी कहते हैं, कैस हो कि लैला हो, हीर हो कि रांझा हो, बात सिर्फ इतनी है आदमी को फुर्सत है। अच्छा ये बताओ सतीश,
क्या ये सच है कि प्यार की आंख किसी कलम को नहीं देखती? अजी, चकोर चांद का दाग नहीं देखा करता। कुछ ध्यान नहीं होता, कुछ ध्यान नहीं रहता। इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। मैंने तुमसे छुपाया था सतीश, ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया था। झूठी मक्कार धोखेबाज, जाओ चली जाओ मेरे सामने। बात है उमा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? सतीश, यहाँ से कहीं चलो। कहाँ? शहर से दूर कहीं भी। भगवान और शैतान दोनों इंसान के जहन की पैदावार है। हर धर्म और भाषा में इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन हर जगह ये इंसान की अच्छाई और बुराई के प्रतीक हैं। राम के रूप में हम अपने अंदर छुपी हुई अच्छाई को पूजते हैं और रावण को आग में झोंक कर अपनी बुराइयों। बंद करो, बंद करो, ये देखना क्यों घूर रहे हो मुझे, क्यों घूर रहे हो मुझे, क्यों घूर रहे हो मुझे। हाँ तो हम कहाँ थे? लो अभी चिट्ठी, काम दे गए, काम दे। जनता के जागने से देश जागता है। नहीं सर, आप तो राम और रावण की बात कर रहे थे। हाँ, राम और रावण की बात, अच्छाई और बुराई। बाकी कल।
भारियां ले जाते सवेरे सवेरे। अरे ओ सोडा वाटर की औलाद, ससुर सवेरे ही सवेरे लालटेन बनाए हैं। अच्छा हम कही तक ससुर नवाब साहेब की हवेली है, जब पंडित नर्मदा शंकर के दुकान है दुकान, समझो कि नहीं है। ए बीड़ी वाले, जब बीड़ी वाले नहीं ससुर नर्मदा शंकर भूल गए का? हाँ, हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं का? ससुर बतियाओ जिन ऐसा रापट मारब के औरंगाबाद बन जाइयो, समझो कि नहीं है। देवरे देवरे बच्चों काम कर अपना, जब देखा तब वो सुशीला कहाँ रहती है? कागज़ में चुप साले छछुंदर, तुमसे कौन पूछता है, जब देखो फटाई में टांग। अरे हाँ मेम साहब, यहाँ से सीधे चली जाओ, वो जो तीसरी गली पड़ी है ना, बस वही के बाजू में है सुशीला के ताजमहल, समझो कि वही।